इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के बैनर तले मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बृहस्पतिवार को अदालत के बाहर अयोध्या विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पहल की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 277 एकड़ जमीन हिंदुओं को गिफ्ट करने के लिए सरकार को सौंप दी जाए, मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों को वैकल्पिक जगह दे दी जाए। इंडियन मुस्लिम फॉर पीस की बैठक में इस पर आम सहमति बनी है। अदालत के बाहर मध्यस्थता से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसे सुप्रीम कोर्ट और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजा जाएगा। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित एक होटल में इंडियन मुस्लिम फॉर पीस की बैठक में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अपनी इस पहल की जानकारी दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि वे करोड़ों लोगों की आवाज़ को देश के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यदि सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में जमीनी विवाद का फैसला हक मुस्लिमों के पक्ष में आ जाए तो भी मस्जिद का निर्माण मुमकिन नहीं है। बेहतर यह है कि जमीन हिंदुओं को दे दी जाए, इसे देश में अमन बना रहेगा, सांप्रदायिक फसाद नहीं होगा, मुस्लिम समाज के भविष्य के लिए भी यह बेहतर होगा। इस खबर में बस इतना ही। कि ये जमीन जो है उसकी मिल्कियत सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। अभी भी उन्होंने हाल ही में अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा हम मध्यस्थता के पक्ष में नहीं है। वो मामला तय हो चुका है, सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पर अदालत का फैसला पहले भी हो चुका है। देखिए, हम लोग एक तजवीज़ रख रहे हैं, वो तजवीज़ जब पार्टी टू द डिस्प्यूट सब के सब 6 या 7 पार्टियाँ हैं, जब वो राजी होंगी तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना टेक ऑफ ही नहीं होगा, प्रपोजल गिर जाएगा। तो आप बताइए, अगर हमने सौदा कर लिया तो किससे किया है? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, और जब तक हिंदू मुसलमान पार्टी दोनों नहीं मिलेगी ये सुप्रीम कोर्ट कबूल ही नहीं करेगा, तो कौन पार्टी हमें देगी ये बता दें।